हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नरेन तिवारी एंड वेलकम इन माय चैनल नरेन पैराडाइज। भाई शिप ख़त्म हो गई, अब जाना है मार्केट सब्जी लेने, लेकिन ये टायर है पंचर और इसमें हवा निकल जाती है बहुत जल्दी, तो अभी मैं जा रहा हूं, पहले पंचर बनवा करके आता हूं, उसके बाद मैं मम्मी को लेकर के जाऊंगा सामान लेने। तो गाइस, शिफ्ट ख़त्म करने के बाद मैं अभी आया हूँ मम्मी के साथ, ज़रा मार्केट जा रहा हूँ सब्ज़ियाँ लेने, और उसके अलावा भी रास्ते में बेकरी की शॉप पे कुछ स्नैक्स, बिस्किट, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये डली ज्यादा वाला है। दोस्तों, अभी जिस बेकरी पे हम जो है बिस्किट, रस, ये सारी चीजें ले रहे थे, वो सम्राट बेकरी है, बहुत ही फेमस बेकरी है ठाकुरगंज थाने के पास में, और जो उनके ऑनर थे वो बीच में आ गए। जब मैं वीडियो बना रहा था देख करके, उन्हें लगा कि मैं कोई गलत काम तो नहीं करने वाला हूँ, तो फिर वो मुझसे पूछने लगे। वैसे जो लोग भी लखनऊ के रहने वाले हैं और ठाकुरगंज के आसपास रहते हैं, तो वो सम्राट बेकरी से जा कर के बिस्किट, रस, ये सब ले सकते हैं। वहाँ से होममेड मिलता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, इसीलिए हम हमेशा वहीं से लेते हैं। तो अभी ये पीछे कक्कड़ पारी के, वहाँ से सब्ज़ी लेने के बाद मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो पान ज़रूर खाता हूँ, तो चलिए पान का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, अब आता हूँ मैं मुद्दे की बात पर, डेली ब्लॉगिंग। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल मैं डेली वीडियोज़ डाल रहा हूँ, लेकिन जो लोग डेली व्लॉग्स देखते हैं, जिन्हें व्लॉग्स देखना पसंद है, या फिर जो मुंबई कर निखिल हो गए, या अपने गौरव तनेजा भाई हो गए जिनका फ्लाइंग बीस व्लॉगिंग चैनल है, उनको देखते हैं, तो उन लोगों का जो ब्लॉगिंग स्टाइल है वो दिन से सुबह उठने के बाद से स्टार्ट होता है और सोने तक ख़त्म हो जाता है। उन्होंने पूरे दिन में क्या किया वो वीडियो वो अपलोड कर देते हैं, थोड़ा म्यूज़िक और थोड़ा स्टाइल के साथ। उन लोगों का दिन जब शुरू होता है तब मेरा दिन ख़त्म होता है ऑफिस की शिफ्ट ख़त्म करने के बाद, और मेरा दिन जो स्टार्ट होता है वो रात में होता है, तो ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है। तो दोस्तों, आज का मुद्दा था डेली व्लॉगिंग का, और डेली व्लॉगिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि डेली व्लॉगिंग कैसे करें, क्यों करें, या फिर टॉपिक कहाँ से लाएँ, तो उसके लिए सबसे पहला सवाल है कि आप किसके लिए करना चाहते हैं, आप खुद के लिए करना चाहते हैं या फिर अपने व्यूअर्स के लिए करना चाहते हैं। तो उसका जवाब है, जाहिर सी बात है, आप अपने व्यूअर्स के लिए ही करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप डेली व्लॉगिंग व्यूअर्स के लिए करना चाहते हैं या फिर आप व्लॉग बनाना चाहते हैं अपने चैनल पर, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप टॉपिक कहाँ से लाएंगे। या तो आपकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग हो कि डेली आप सुबह से लेकर के शाम तक आप शूटिंग करें और उसके बाद उसी को आप एडिटिंग करके, और उसमें जो भी चीज़ें आपने करी उसमें जो सबसे मेन आपको स्टेटमेंट या टॉपिक लगा हो आप उसका अपने वीडियो का सब्जेक्ट बना दें। लेकिन अब मैं अगर अपना खुद का ही एग्जांपल लूँ, तो आपने मेरा रूटीन देखा, कितना बोरिंग सा रूटीन था। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मेरा सोने का टाइम हो गया है और पूरा दिन सोने में चला जाएगा, तो उसके बाद मैं क्या ही टॉपिक डेली ढूंढ सकता हूँ। लेकिन इस सिचुएशन में भी अगर आप डेली व्लॉग बनाना चाहते हैं अपने चैनल के लिए, तो इसके लिए आपको डेली आइडियाज़ भी अगर नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो आपको अपने व्लॉग के लिए कुछ थॉटफुल टॉपिक डेली ढूंढना होगा, कुछ इनोवेटिव करना होगा। अगर आप इनोवेटिव भी कुछ नहीं कर सकते हैं या फिर इतना क्रिएटिव भी आप नहीं हो सकते हैं, तो फिर आप पुरानी चीज़ों को ही आप नए तरीके से अपने उस पर दिखा सकते हैं, या फिर आप लाइफ को देखने का एक नया नज़रिया अपने व्लॉग्स में व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ट्रैवल की वीडियोस डाल करके, और अभी कोरोना भी चल रहा है, तो अभी वैसे भी मैं बाहर घूमने नहीं जा सकता हूँ, तो मैं ट्रैवल वीडियोस भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे में केवल यही एक ऑप्शन है कि आप चीज़ों को फ्रेश तरीके से या नए तरीके से दिखाने की कोशिश करें, या फिर आप जो भी चीज़ें बना रहे हैं
वो थॉटफुल हो, और जो भी आपके व्यूवर्स हो, जो भी आपका वो वीडियो देखें या फिर आप अगर खुद भी देखें तो आपको चीज़ें उसमें फ्रेश लगे। तो दोस्तों, डेली व्लॉगिंग करने का यही तरीका और यही फार्मूला है। अगर आपके पास कोई टॉपिक है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।